तो हाइगे नाम के साइंटिस्ट ने वेव फ्रंट किस तरीके से आगे ट्रेवल करता है इसको बताने के लिए इसने एक थ्योरी दी थी, इसने एक प्रिंसिपल बताया। इसने बोला कि कोई भी वेव फ्रंट हो, जैसे मान लो ये कोई वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो हाइगेन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस वेव फ्रंट का हर एक जो पॉइंट होगा एक लाइट के सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो हर एक पॉइंट है इसको सोर्स एज्यूम कर लो, और अगर ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो हर एक पॉइंट से छोटे छोटे वेव फ्रंट बनेंगे, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं इनको? सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है इनके ऊपर कॉमन टेंजेंशियल सरफेस जो होगी वो वेव फ्रंट की नेक्स्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी। कॉमन टेंजेंशियल सरफेस का मतलब है इन सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट को टच करके जाने वाली सरफेस, ये वाली सरफेस देखो, ये इन सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट को टच करके जाएगी, तो ये वाली जो सरफेस है ये इस वेव फ्रंट की नेक्स्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी।